हाय, गुड इवनिंग। आज डिस्कशन करेंगे मार्केट में कैसे ट्रेडिंग हुआ था, निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसे हुआ था। तो जैसे ही मैंने बताया था, अभी मार्केट थोड़ा वोलाटिलिटी रहेगा। अब देखो मार्केट में क्या होता है, ऊपर जब ज्यादा चले जाता है फिर प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाता है। अभी क्या हुआ कि अब आज मार्केट अच्छे से, मतलब थोड़ा अच्छा खासा गिरा हुआ है। अब देखो मैंने निफ्टी को ओपन करके रखा है, निफ्टी में जैसे ब्लैक मारुओजी फॉर्मेशन हुआ है कैंडल स्टिक। तो इसका रीजन क्या है, आज जो मार्केट गिरने की रीजन क्या है कि प्रॉफिट बुकिंग तो हो रहा है ऊपर से। अमेरिका की जो फेड जो मिनट आया है, फेड मीटिंग की जो मिनट आया है, उसमें क्या है कि अमेरिका की जो फेड चेयरमैन ने, उन्होंने बताया कि अब देखो हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे 24 को फेड रेट 3 बार कट करने के लिए, मतलब रिड्यूस करने के लिए। लेकिन अभी क्या लग रहा है उन लोगों को कि अमेरिका मार्केट तो इकोनॉमी तो ठीक है, तो रेट कट करने की कोई जरूरत नहीं उन लोगों को लग रहा है। तो ये जो होप में है, मार्केट ऊपर जा रहा था, रेट कट होगा तो फिर इक्विटी बढ़ेगा, मार्केट बढ़ेगा, डाउ फ्यूचर ऊपर जाएगा, तो उस हिसाब से हमारे इंडियन मार्केट भी बढ़ रहा था। लेकिन क्या हुआ, अभी ये लोग जो बता दिए कि मार्केट अभी, हम रेट अभी कट नहीं करेंगे, हम लोग को नहीं लग रहा है कि अभी रेट कट होने वाले, तो उस वजह से डाउ फ्यूचर में गिर रहा है और नाजदा में गिर रहा है। और दूसरी चीज जो बोइंग है, बोइंग जो कंपनी है, बोइंग कंपनी में कुछ इश्यू आया है उनकी एयर जो क्राफ्ट को लेकर, एयरक्राफ्ट में कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम हुआ है मैन्युफैक्चरिंग टाइम में, तो उस वजह से बोइंग भी उधर मार्केट में क्रैश हो रहा है, मतलब शेयर एक्चुअली बहुत गिर रहा है। तो उस वजह से डाउ फ्यूचर ये वगैरह सब गिर रहा है, नाजदा S&P 500 ये सब भी गिर रहा है। तो उधर रेट कट भी नहीं होने के लिए अब ये एक्सपेक्टेशन मत, मतलब फेड रिजर्व अब बोल जाए कि एक्सपेक्टेशन मत रखो कि अभी रेट कट होने के लिए। और दूसरी चीज, हमारे इंडियन मार्केट में अभी बजट आने वाला है, कौन सा बजट आएगा, कैसे बजट आएगा, कौन से टाइप आएगा, कौन से सेक्टर को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, तो इस टाइप की जो अनसर्टेनिटी है। और ऊपर से मार्केट इतना ऊपर चला गया कि लोग को लग रहा है कि मार्केट बहुत ऊपर चला गया। भाई मार्केट ऊपर नहीं गया है, मार्केट बहुत कम है। मार्केट जब जाएगा अपने हिसाब से ही जाएगा, मतलब बताएगा नहीं कि मैं ऊपर जा रहा हूँ इतना ऊपर हो गया फिर, नहीं। लोग गिरी हो जाते हैं फिर क्या करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देते हैं। भाई तुम पड़े रहो ना, उसको पड़े रहने दो, 3 साल 5 साल 10 साल पड़े रहने दो, फिर जो भी आप शॉर्ट टर्म में मार्केट गिर रहा है फिर उसके बाद फिर बाउंस बैक होगा, फिर 100 200 300% 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। तो ये चीज इन्वेस्टर वाले को समझना चाहिए। अब ये लोग तो प्रॉफिट, ये आजकल तो रिटेल वाले तो ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, सब चाहते हैं अपना जो पैसा लगा है, जो भी मिल रहा है उसको बुकिंग कर लो, ठीक है, लेकिन ये मेजर प्रॉब्लम नहीं। प्रॉफिट बुकिंग तो बीच बीच में होता रहेगा, कोई ये बड़ी बात नहीं, लेकिन मेजर प्रॉब्लम जो फेड रेट रिड्यूस नहीं होने के लिए जो अनसर्टिनिटी है, बोइंग की जो थोड़ा टेक्निकली एयरक्राफ्ट में प्रॉब्लम है, फिर यहाँ हमारी बजट में कौन सा बजट होगा, तो इस टाइप की जो अनसर्टेनिटी है ना, अनसर्टेनिटी में मार्केट कहाँ जाएगा किसी को पता नहीं। तो उस हिसाब से क्या करते लोग, यार जितना भी मिल रहा है उसको प्रॉफिट बुकिंग करो, तो प्रॉफिट बुकिंग जब होता है मार्केट फिर नीचे आ जाता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आज कितने गिरा है मार्केट एक दिन में, देखो कल क्लोजिंग हुआ था निफ्टी हमारे डे चार्ट में 21,710, आज कितने में क्लोज हुआ, 21,513, मतलब 200 पॉइंट निफ्टी गिरा है। 200 पॉइंट मतलब 1% होगा, 0.91% दिखा रहा है, एक दिन में गिरा है, कोई बड़ी बात नहीं। ये भी एक दिन में, यहाँ भी गिरा था 300 पॉइंट, देखो 1.5% गिरा था मार्केट, ये गिरा है 0.91, तो कोई बड़ी बात नहीं। सबसे बड़ी चीज है देखो, ये जो सपोर्ट पॉइंट मैंने लगा के रखा है 21,500, देखो ये जो सपोर्ट पॉइंट है 21,500 पास एग्जैक्टली ये मार्केट आज आकर यहाँ मार्केट सपोर्ट लिया, फिर मार्केट स्टेबलाइज हुआ, मार्केट फिर आज क्लोज हुआ। अब इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, इसके बाद जब ये मार्केट टूटेगा, ये जो सपोर्ट पॉइंट टूटेगा, तो फिर डायरेक्ट आ जाएगा 21,000 तक, तो आ जाएगा डायरेक्ट इसी 21,000, एक दिन में नहीं आएगा लेकिन 21,000 टच करेगा, फिर देन बाउंस बैक करेगा। तो ये मेरा प्रेडिक्शन है। और 15 मिनट देखेंगे, 15 मिनट में एक्चुअली मार्केट चांस दिया था कि नहीं, मार्केट मार्केट हर दिन चांस देता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। देखो 15 मिनट दिया था कि नहीं, देखो ये, देखो ये जो कैंडल, ठीक है शुरुआत हुआ था 8 ऊपर, मार्केट गैप थोड़ा हल्का फुल्का 20 30 पॉइंट में ऊपर में हुआ था गैप में ऊपर में, फिर देन नीचे आ गया, नीचे आ गया, फिर रिट्रेस किया, फिर देन नीचे आ गया। तो ये समझना चाहिए तब, ठीक है ये जो शुरुआत में 1 घंटा छोड़ दो, फिर उसके बाद देखो
जब ये कैंडल बना इसके बाद और ऊपर गया ही नहीं, तो ये समझ लेना चाहिए कि भाई ये नीचे आ रहा है, तो फिर ये जो फॉर्मेशन हुआ है ये कौन सा फॉर्मेशन है? ये देखो ये शूटिंग स्टार फॉर्मेशन हो गया था 10:30 बजे, कैंडल है शूटिंग स्टार जो फॉर्मेशन हुआ था यहाँ, तो पहले तो वो सिग्नल दे दिया था, फिर उसके बाद शूटिंग स्टार जो फॉर्मेशन हुआ था, फिर उसके बाद देखो गिरना गिरना शुरू हुआ ऊपर, तो ऊपर गया ही नहीं, अब गिरना गिरना शुरू हुआ, तो यहीं से आप पोजिशन लेके जाओ, बैठे रहो यहीं से निकल जाओ आपको लग रहा है, नहीं तो फिर यहाँ देखो ये जब इतना बड़ा कैंडल मरुभुज ब्लैक मरुभुज बना, आपको लग रहा है ये इसको फिर ऊपर उठाएगा? ठीक है हल्का फुल्का ये लोग फिर रिकवरी करके निकल जाएंगे, फिर आखिर में कहाँ गया? यहीं से भी कोई क्वेश्चन लेकर बैठा होता ना यहाँ तक आ, तो हर दिन मार्केट आज 3 बार अपॉर्चुनिटी दिया था, मैं बता रहा हूँ 3 बार अपॉर्चुनिटी दिया था मार्केट, हर दिन एवरेज 2 बार देता है अपॉर्चुनिटी, लेकिन जब 1 बार देता है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन, नहीं तो 1-2 दिन के बीच ट्रेडिंग सेशन में आपको 3 बार मौका था, आप देख लो फिर आप उसको कैसे ग्राफ करो। मैं हर दिन में मेरी वीडियो में बताता हूँ कि भाई मार्केट हर दिन 2 बार ट्रेडिंग देता है अपॉर्चुनिटी करने के लिए इंट्राडे वाले को, तो आपको स्किल डेवलप करना पड़ेगा कैसे आप ग्राफ करोगे अपॉर्चुनिटी को कैसे कैच करोगे। तो ये जो है अभी निफ्टी हल्का फुल्का अभी नरमी है, कल पता लगेगा जब ये 21,500 टूटेगा तो फिर 21,000 तक वो जाएगा, फाइनल जाएगा, क्योंकि वो प्रॉफिट बुकिंग और ये जो अभी मार्केट के जो सराउंडिंग में जो अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी की वजह से मार्केट गिरना स्वाभाविक बात है, ये गिरेगा कोई बड़ी बात नहीं, और प्रॉफिट बुकिंग ही होगा, जो लोग हम इन्वेस्ट करके रखे हैं शॉर्ट टर्म के लिए वो प्रॉफिट निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये निफ्टी का हमारे था डे चार्ट, 15 मिनट चार्ट, बैंक निफ्टी भी देख लेते, बैंक निफ्टी भी वही है, निफ्टी बैंक निफ्टी सेम जैसे काम करते हैं। देखो ये शुरू हुआ था, ठीक है ये जब शुरू हुआ था अब यहाँ से गिरा गिरा मार्केट दिन भर गिरा, फिर यहाँ से देखो फिर ये देखो ये क्या हुआ, फिर उसके बाद ये फॉर्मेशन हो गया बुलिश एनगल्फिंग जैसा, अब इसको हम शूटिंग स्टार भी मानते हैं, शूटिंग स्टार जैसा फॉर्मेशन हुआ है, शूटिंग स्टार के बाद देखो नीचे आया, ऊपर गया ही नहीं आज मार्केट, अब बीच में 2 घंटा 1-2 रहा, 2 घंटे तक 2.5 घंटे तक मार्केट कंसोलिडेट हो रहा था, फिर जब 2:30 बजा, 2:30 के बाद निकल गया मार्केट, फिर जब जाना कहीं जाना सिग्नल दे देता है सुबह से कहाँ जाना है। ठीक है, तो ये 15 मिनट चार्ट में बैंक निफ्टी भी वही बता रहा, और डे चार्ट में क्या हो अभी देखो, डे चार्ट में भी सबसे बड़ी चीज ये जो मैंने लगा के रखा था कितना ये पॉइंट है 37,483 जो था सपोर्ट पॉइंट बैंक निफ्टी का, अभी ये क्लोज हुआ है बैंक निफ्टी भी 700 पॉइंट गिरा है, आज जो क्लोजिंग है 47,450, मतलब मार्केट जो सपोर्ट पॉइंट था उसको हल्के से मतलब ब्रेक डाउन किया है, लेकिन वहां तक जाकर सपोर्ट लिया है सबसे बड़ी चीज है, आधा घंटा मैंने देखा था 20-25 मिनट तक मार्केट वहीं से इधर उधर होकर मार्केट स्टेबिलाइज हो गया था, तो ये कल पता लगेगा जब ये टूटेगा फिर देन यहाँ आ जाएगा 46,500 डायरेक्ट, और बीच में जो ये वाला जो बीच में है 46,000 मतलब 47,000 जो है 500 पॉइंट जो है यहाँ तक सपोर्ट नहीं लेगा, यहाँ तो लेना चाहिए, नहीं लिया तो फिर अब देख लो, यहाँ तो लेना चाहिए 46,920, यहाँ सपोर्ट नहीं लेगा तो फिर यहाँ डायरेक्ट आकर मार्केट सपोर्ट लेना चाहिए, तो ये मार्केट की ऊपर नीचे जैसे चलते हैं। और सबसे बड़ी चीज है डे चार्ट, देखो आप कोई भी डाउ थ्योरी जिसको पता है मतलब जो पढ़ते हैं मतलब टेक्निकल एनालिसिस को पता है, डाउ थ्योरी में देखो ये हायर बना है देन देखो इसके बाद क्या है हायर देन ये क्या है लोअर हाई देन लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, तो ये क्लियरली बता रहा है डे चार्ट में कि मार्केट नीचे आ रहा है, अब कहाँ सपोर्ट लेगा फिर देखना पड़ेगा, सपोर्ट यहाँ से भी ले सकता है, सपोर्ट यहाँ से भी ले सकता है और सपोर्ट यहाँ से भी ले सकता है, ये जो गैप अप पॉइंट है सपोर्ट यहाँ से भी ले सकता है, मैं इसको लगाता हूँ यस हाँ 544,500 के पास भी ले सकता है, तो ये जो बीच ये जो दो सपोर्ट पॉइंट है इसको टूटेगा तो ये फाइनली मार्केट थोड़ा मूवमेंट अच्छा खासा मूवमेंट नीचे देकर आ सकता है, तो बी केयरफुल जब ट्रेड आप करते हो आराम से, मैं हर बार बताता हूँ आप एस एल लगा के रिस्क रिटर्न के हिसाब से आप पोजिशन लेकर प्रॉफिट करिए, और प्री रिक्विजाइट है आपकी नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज जब तक तो नहीं होगा आप ऐसे करो। अब देखो ये तो थोड़ा ऊपर गया था, अब ये कैंडल तीनों को देखेंगे तो हमको ये तीनों कैंडल को हम देख कर बोल सकते हैं कि ये इवनिंग स्टार फॉर्मेशन हो चुका है, इवनिंग स्टार फॉर्मेशन होगा मतलब मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, नीचे आएगा देन फिर ऊपर बाउंस बैक करेगा, तो ये हमारी बैंक निफ्टी की डे चार्ट और हमने 15 मिनट चार्ट कर दिए एनालिसिस किए, अब ऑप्शन चेन थोड़ा देख लेते हैं, ऑप्शन चेन में क्या हुआ यस 11 11 जनवरी की निफ्टी की है
ये तो क्लियरली अभी ये मार्केट नीचे के लिए आज तो 200 पॉइंट गिरा है, ठीक है, पोजीशन तो दिखा गया है। देखो यहाँ भी 1,16,000 ये पुट राइटिंग अभी भी बैठे हैं, और यहाँ 21,400 के पास, 21,500 के पास 1,16,000, देन 21,400 के पास 75,000, देन 21,000, तो हर 100 100 पॉइंट में पुट राइटिंग अभी भी है। और सबसे बड़ी चीज पता है, अब ये लोग शॉर्ट कवरिंग करना शुरू कर दिए, मतलब 21,600, 21,700, 21,650, 800, 900, मतलब देखेंगे तो यहाँ तक 22,300 तक भी ये लोग जो भी पोजीशन हल्के फुल्के लिए थे ये लोग शॉर्ट कवरिंग करना शुरू कर दिए। तो यहाँ से पता लग रहा है कि ये जो हमारी ये है शॉर्ट कवरिंग जो हुआ है 21,600 के पास, तो ये जो 11 अक्टूबर जो जनवरी की जो चेन है 21,600 के पास मार्केट सस्टेन करना, मतलब उसको ऊपर ब्रेकआउट देना निफ्टी थोड़ा डिफिकल्ट लगा, क्योंकि यहाँ इस साइड देखो 1.5 लाख, 1,60,000 लाख की 600 पास कॉल राइटिंग है, फिर देन यहाँ देखो 69,000, देन 11,000, ये लोग राइटिंग करना शुरू कर दिया एग्रेसिवली, ठीक है, एग्रेसिवली राइटिंग करना शुरू कर चुके। और इसके आगे देखेंगे तो हर 100 50 50 पॉइंट में ये लोग, हर 100 100 पॉइंट में ये लोग शरीफ, हर 50 100 पॉइंट में कॉल राइटिंग करके बैठे, तो ये ऊपर जाने की चांसेस बहुत कम है। क्या बता फिर कल बाइंग प्रेशर आ जाएगा, सस्ते में मिल रहा है, फिर लोग फिर टूट पड़ेंगे, खरीद करेंगे तो फिर मार्केट उठेगा, कोई बोल नहीं सकता, लेकिन डाटा जो बता रहे, डाटा के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, अभी थोड़ा नरमी रहेगा और ये चेन में थोड़ा वोलाटाइल रहेगा, क्योंकि ये चेन बहुत आगे बजट है, फिर ये थोड़ा जनवरी महीना थोड़ा हल्का फुल्का मतलब वोलाटाइल रहेगा, कि रेंज बाउंड रहेगा, रेंज बाउंड से मतलब ऊपर तक ये जाएगा, फिर ऊपर नीचे तक एक रेंज बाउंड रहेगा, तो बीच में वो मार्केट मूव करता रहेगा ये महीना तक। और ये बैंक निफ्टी हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है, बैंक निफ्टी वही होगा जैसे निफ्टी में हुआ है, बैंक निफ्टी में वही होता है। यस, बैंक निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी में ये भी शॉर्ट कवरिंग यहाँ से शुरू हो चुका है, यस 47,000, 47,800 के पास शॉर्ट कवरिंग शुरू हो चुका है, और यहाँ लेकिन तगड़ा सपोर्ट है 47,500 का 1,60,000 है, देन 47,400 पास 1 लाख है, देन 75,77,000, देन 47,200, तो ये लोग हर 100 100 पॉइंट में पुट राइटिंग करके बैठे हैं 47,000। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ देखो कॉल साइड में देखोगे, कॉल साइड में 1,68,000, और एक दिन में ये लोग देखो एक दिन में आज 1.5 लाख हुआ है, मतलब ये 18,000 था ओपन इंटरेस्ट, 1.5 लाख ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, मतलब जबरदस्त ये लोग शॉर्ट के लिए अग्रेसिव शॉर्ट करके बैठे हैं ये लोग, ठीक है, तो ये आज अग्रेसिव शॉर्ट करके बैठे हैं। अब ऊपर तक हम देखेंगे कितना है, 47,700, 47,800, हर 100 100 पॉइंट में भी ये लोग जबरदस्त, मतलब ऐसा नहीं कि हल्का फुल्का नहीं, 1.5 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, ऐसे कॉल राइटिंग करके बैठे हैं, तो इससे पता लग रहा है कि मार्केट को नीचे लाएंगे, मार्केट नीचे ही आएगा, ये लोग जबरदस्त बैठकर मतलब राइटिंग करके बैठे हैं एग्रेसिवली। और सबसे बड़ी चीज है गलती से भी राइटिंग मतलब बाइंग प्रेशर आ गया ना, देखोगे जब बाइंग प्रेशर ज्यादा आ जाएगा ना तो और भी भयंकर होगा मार्केट, क्योंकि ये लोग जो शॉर्ट कवरिंग मतलब पोजीशन लेकर बैठे हैं, यहाँ से जब पुट वाले पोजीशन लेकर बैठेंगे ना तो वोलेटाइल रहेगा मार्केट, ये लोग भागेंगे, फिर ये लोग पोजीशन लेना शुरू करेंगे, तो बीच में क्या होगा ना, एकदम वार जैसे चलेगा, तो वोलेटाइल मार्केट ऑब्वियसली रहेगा। तो ये जो जनवरी जो चेन है, ऑप्शन चेन है, सबसे बड़ी चीज जो 11th, अभी ये बैंक निफ्टी का कब की है, 10th जनवरी, अभी आज हो गया, 2 दिन बाकी है ये एक्सपायरी, 2 दिन है, ये 2 दिन ना बहुत केयरफुल आप ट्रेड करिए, आराम से मतलब स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रिस्क रिटर्न हिसाब से ट्रेड करिए, क्योंकि थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाएगा ना आपको पैसा, आप ऑप्शन मार्केट तो ऐसे ही हाईली वोलेटाइल है, आप आराम से उसको आपके रिस्क रिटर्न के हिसाब से आप ट्रेड कर सक करके प्रॉफिट कर सकते हैं। तो ये हमारी ऑप्शन चेन एनालिसिस बैंक निफ्टी और निफ्टी हमने कर चुके हैं, ये देखेंगे थोड़ा ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है, अभी देखते हैं उसका क्या है मार्केट, देखते हैं इस मार्केट में ग्लोबल मार्केट में क्या सिग्नल दे रहा है डाउ फ्यूचर, ठीक है, मतलब यूरोपिया अमेरिका मार्केट थोड़ा, अब देखो दिन भर यूरोपियन मार्केट नेगेटिव था, अभी थोड़ा पॉजिटिव आ रहा है, ये भी पॉजिटिव है, और डाउ फ्यूचर 150 पॉइंट अभी नेगेटिव भी है, गिफ्ट निफ्टी हमारा भी पॉजिटिव है, और इसमें एशियन मार्केट मतलब मोस्ट प्रोबेबली मार्केट आज थोड़ा डाउन था, नेगेटिव है, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्रूड ऑयल, और क्रूड ऑयल ब्रांड क्रूड ऑयल घट रहा है, डॉलर इंडेक्स फ्लैट है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन
यहाँ देखेंगे हम बॉन्ड रेट बढ़ रहा है, बॉन्ड रेट आज दिन में घटा था अब अभी बढ़ रहा है, तो बॉन्ड रेट जब बढ़ता है यूएस की, तो ये थोड़ा इक्विटी मार्केट स्टॉक मार्केट के लिए थोड़ा अच्छा नहीं है चीज। और एक्सिस की एडीआर देखो अभी लगभग 2% डाउन है, एचडीएफसी की 1% डाउन है, लेकिन एक्सिस बैंक की थोड़ा पॉजिटिव है। तो ओवरऑल अभी क्या है कि मार्केट अभी थोड़ा डाउनवर्ड जाने के लिए लग रहा है मुझे, और डाउनवर्ड जाएगा 2-3 दिन तक, और ये तो कंपलसरी जो एक्सपायरी है ये एक्सपायरी करके मार्केट नीचे नीचे जाकर क्लोज होगा और हाईली वोलेटाइल रहेगा। सो बी केयरफुल, आप कभी भी ट्रेड मतलब ट्रेड कर रहे हो तो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेकर आप ट्रेड करिए, नहीं तो ह्यूज लॉस हो सकता है पॉसिबल। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर माई चैनल, थैंक यू सो मच।